नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल क्रिकेट लाइन गुरु में। तो दोस्तों फाइनली एक बड़ा अपडेट आ चुका है कि आखिर टीम इंडिया और पाकिस्तान के बीच एशिया कप का जो महामुकाबला होगा वो कहां पर खेला जाएगा। बता दें कि जल्दी ही एशिया कप की शुरुआत होने वाली है और इंडिया और पाकिस्तान के मुकाबले को लेकर पहले से ही काफी सारी खबरें सामने आ रही थी। कभी खबर थी कि क्या टीम इंडिया जाएगी पाकिस्तान इस मुकाबले को खेलने के लिए या फिर पाकिस्तान की टीम को इंडिया आना पड़ेगा। तो दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप का महामुकाबला अब श्रीलंका में खेला जाएगा। ना ही वो पाकिस्तान में होगा और ना ही इंडिया में खेला जाएगा, यानी कि ना ही टीम इंडिया जाएगी पाकिस्तान और ना ही पाकिस्तान की टीम आएगी इंडिया, यानी कि श्रीलंका में होगा ये बड़ा मुकाबला, क्योंकि रोहित शर्मा की कप्तानी वाली भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं जाने वाली। आईपीएल चेयरमैन अरुण धूमल ने बुधवार को इसकी पुष्टि की है कि बीसीसीआई सचिव जय शाह और पीसीबी प्रमुख जाका अशरफ की गुरुवार को होने वाली आईसीसी बोर्ड की बैठक से पहले मुलाकात हुई ताकि एशिया कप का कार्यक्रम तय किया जा सके। धूमल ने पीटीआई से कहा, जय शाह ने पीसीबी प्रमुख जाका अशरफ से मुलाकात की और एशिया कप के कार्यक्रम को अंतिम रूप दे दिया है। पाकिस्तान में लीग स्टेज के 4 मैच होंगे जिसके बाद 9 मैच श्रीलंका में खेले जाएंगे। इसमें भारत और पाकिस्तान का मैच भी शामिल है। दोनों टीमों के बीच अगर फाइनल खेला जाता है तो वो भी श्रीलंका में खेला जाएगा। बता दें कि धूमल ने पाकिस्तान मीडिया से आ रही इन अटकलों को खारिज कर दिया है कि भारतीय टीम पाकिस्तान जाएगी। तो दोस्तों फाइनली जिसको लेकर एक बड़ी चर्चा बनी हुई थी कि आखिर भारत और पाकिस्तान का मुकाबला कहां खेला जाएगा, ये क्लियर हो चुका है कि अब श्रीलंका में दोनों टीम्स के बीच एशिया कप का महामुकाबला खेला जाएगा और अगर दोनों टीमें आमने सामने आती हैं फाइनल में तो वो भी श्रीलंका में खेला जाएगा। तो दोस्तों इस खबर में फिलहाल इतना ही। अगली वीडियो में आपसे होगी फिर मुलाकात क्रिकेट की तमाम लेटेस्ट अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए क्रिकेट लाइन गुरु के साथ। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग।